सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव पाठक और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। विद्युत जायसवाल की जंगली मूवी का ट्रेलर अभी रिलीज किया गया है, तो इसका रिव्यू करेंगे दोस्तों। इससे वास्तव में मूवी में है क्या। इन दिनों बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में आ रही हैं जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने खूब धमाल भी मचाया है। ऐसी एक फिल्म जल्दी आ रही है जिसे देखकर सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी की याद आ जाएगी। बता दें कि विद्युत जायसवाल की मूवी जंगली के बारे में हम आपको यहाँ बात कर रहे हैं। जल्दी यह फिल्म रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुके हैं जिसके बाद वो फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। आपको बता दें कि विद्युत जायसवाल फिल्म के ट्रेलर में एक हीरो बने दिखाई दे रहे हैं जो कि शिकारियों से जानवर को बचाते हैं। विद्युत और उनके जानवर भोला की स्टोरी के ट्रेलर में दिखाया गया। बता दें कि भोला एक हाथी का नाम है जो बचपन से विद्युत के साथ है। जंगल में आकर जो शिकारी जानवर को मारने की कोशिश करता है, विद्युत जायसवाल उसे मारते हैं। विद्युत का जबरदस्त एक्शन ट्रेलर में देखने को आपको मिल सकता है, यानी आप देखेंगे ट्रेलर में तो आपको देखने को मिलेगा। ट्रेलर में दिखाया गया कि इन जानवरों के साथ विद्युत कैसे रहते हैं, उनके साथ मस्ती कैसे करते हैं और भी जानवर भी विद्युत के लिए कैसे जान दे सकते हैं, पूरी स्टोरी में फिट किया गया है, इसी तरीके से बनाया गया है। दोस्तों फिल्म में ट्रेलर एक्शन इमोशन ड्रामा से भरपूर है। फिल्म वाकई में बेहद ही शानदार है। आशा भट्ट और पूजा सावंत फिल्म में एक्ट्रेस है। फिल्म की शूटिंग पिछले दिनों थाईलैंड में चल रही थी। जंगली पिक्चर्स चक रसेल ने मिलकर इस फिल्म को बनाया है। एडवेंचर और जंगल की शानदार स्टोरी को फिल्म में दिखाया गया है। बता दें कि राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी से फिल्म की कहानी मिलती जुलती हुई लग रही है। इंसान और हाथियों के बीच के अनूठे प्यार को इसमें दर्शाया गया है। हॉलीवुड के फिल्म मेकर चर रसेल ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। 5 अप्रैल को सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों अभी तक आपने ट्रेलर अगर नहीं दिया देखा है तो प्लीज जाके ट्रेलर देख लीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।